नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नंदी एग्रो ऑर्गेनिक्स में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट और केमिकल खाद के बीच में जो मुख्य अंतर है वो क्या होता है। देखिए, जो केमिकल खाद है और वर्मी कंपोस्ट है, ये दोनों ही मुख्यतः बागवानी और खेती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पर इनमें डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल खाद की। केमिकल खाद एक सिंथेटिक और एक रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक खाद होता है, जो पौधों को उनकी बढ़ने में मदद करता है। इस खाद में मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जिसको हम एनपीके के नाम से भी जानते हैं। हम इसको यूरिया और डीएपी के नाम से भी जानते हैं, जो पौधों की जरूरतों को पूरा करते हैं। केमिकल खाद असर बहुत जल्दी करता है, पौधों को पोषण तुरंत मिलता है, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं। ज्यादा खाद इस्तेमाल करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम हो सकती है। पर्यावरण के साथ साथ अगर हम इस सिंथेटिक खाद को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, तो मिट्टी की जैविक संरचना के साथ साथ पानी धारण करने की क्षमता जो होती है मिट्टी की, उसको भी बहुत हद तक ये नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। जबकि जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो एक जैविक खाद होता है, जिससे केचुए की मदद से बनाया जाता है। इस खाद में जो केचुए होते हैं वो जैविक कचरे या गोबर को खाकर वर्मी कंपोस्ट में तब्दील करते हैं, जो पूर्णतः प्राकृतिक होता है और यह मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है। इस वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होते हैं, जो पौधे को स्वस्थ बनाते हैं। और वर्मी कंपोस्ट पौधों को पोषण धीरे धीरे देता है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल नेचुरली होती है, और जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ती है। वर्मी कंपोस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली है। तो दोस्तों, अगर आप अपने मिट्टी और पर्यावरण का ख्याल रखना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट एक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर आपको तुरंत असर चाहिए तो खाद भी इस्तेमाल करते रहें। बस ध्यान रखें कि इसका उपयोग बिल्कुल संतुलित हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना वर्मी कंपोस्ट और खाद में अंतर क्या होता है, कौन सा विकल्प हमें कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुशहाल खेती, पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।